सीहोर जिले में एक बार फिर खबर मध्य प्रदेश की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां जेसीबी मशीन मालिक से 1.5 लाख रुपए छीनने वाले 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल रेहटी थाने में पदस्थ पुलिस कर्मियों द्वारा नसुल्लागंज थाना सीमा क्षेत्र में आकर जेसीबी मालिक से रौब जमा कर 1.5 लाख रुपए छीनने व ड्राइवर के साथ मारपीट करने की शिकायत जेसीबी संचालक गणेश चावड़ा ने पुलिस अधीक्षक और नसुल्लागंज पुलिस अनुविभागीय अधिकारी प्रकाश मिश्रा को आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की थी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सीहोर पुलिस अधीक्षक द्वारा संज्ञान में लेते हुए उप निरीक्षक रोहित सिंह भदौरिया सहित प्रधान आरक्षक रमेश मांझी, राजेश यादव एवं आरक्षक मनोज यादव, राकेश उइके को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। एएसपी समीर यादव ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जांच के बाद तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश नवनिर्माण सेना संस्थापक किशोर चौकसे ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। जी, रेहटी थाना के अंतर्गत ये जो प्रथम दृष्टया इस पर एक शिकायत हुई थी, इसकी जाँच SDOP बुधनी को दिया गया है। वो जाँच की रिपोर्ट अभी आना शेष है, लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से देखा गया था और प्रथम दृष्टया जो संदेह इनके आचरण और इनकी कार्रवाई को लेकर के आया है, उसमें 5 कर्मचारियों को जो रेहटी थाना से संबंधित हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है, जिसमें 1 सब इंस्पेक्टर, 2 प्रधान आरक्षक और 3 कांस्टेबल हैं। और रिपोर्ट आने के बाद उसमें जो फैक्ट्स होंगे उसके मुताबिक अलग से कार्रवाई की जाएगी। रेहटी थाने में जो पुलिसकर्मी है उसमें 4-5 पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने अवैध रूप से एक गाड़ी जो हमारे शिवसैनिक हैं उनकी गाड़ी है उनके साथ में गाड़ी जो उनकी थी JCB जो खेत में चल रही थी, लेकिन खेत से उन्होंने ले जाके उसमें जबरन मुकदमा बनाने की कोशिश की, उनको डराया धमकाया और डरा धमका के उनसे अवैध वसूली 1.5 लाख रुपए उन्होंने उनसे छीन लिया ले लिया और उसके बाद उनको या तो गाड़ी रास्ता करने की धमकी दी, बंद करने की धमकी दी। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो भयभीत जल्दी हो जाते हैं, तो उन्होंने जो भी था उनके पास में दे दिया, लेकिन असत्य असत्य होता है। पुलिस जिस प्रकार से पुलिस ने अभी लॉकडाउन के टाइम में बहुत अच्छा कार्य किया है, मैं उनको सलाम करता हूँ पुलिसकर्मियों को, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी ऐसे होते हैं जो पुलिस अधिकारियों के दामन पर दाग लगा देते हैं, उनमें से ये लोग हैं। इनको सख्त से सख्त सज़ा के लिए आज मैंने माननीय SP साहब से भेंट की, उनको पूरा वाक्या समझाया भी है और लिखित रूप से भी दिया है, उन्होंने निलंबन के आदेश भी दिए हैं। खबर मध्य प्रदेश के लिए नसुल्लागंज से वसीम खान की रिपोर्ट।